गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज योर इंग्लिश ग्रामर क्लास फॉर क्लास सेकेंड. सो टेक आउट योर बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्लास फॉर इंग्लिश ग्रामर एंड हियर इज आवर कंटेंट ऑफ दिस बुक. एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस इज द सेंटेंस. वॉट द सेंटेंस विच इज गिवेन एट पेज नंबर 5. सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर द सेंटेंस. सो लेट्स स्टार्ट टूडेज क्लास. हियर इज आवर चैप्टर फर्स्ट द सेंटेंस. द सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य. सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य. ठीक है, क्या होता है? वाक्य. तो वाक्य क्या होता है? कई सब जो होते हैं उनको मिला के हम वाक्य बनाते हैं. ठीक है, मतलब कई वर्ड्स को मिला के हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं. इसीलिए इसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस. ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस. ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक वर्ड है मैंगो. फिर एक आपको मैंगो दे दिया. फिर एक वर्ड है फ्रूट. ठीक, फिर एक वर्ड हो गया इज. फिर एक वर्ड हो गया ए. अब ये जो वर्ड्स हैं, ये सिंगल क्या है? वर्ड्स है. अब जब इन वर्ड्स को हम लिखते हैं एक साथ तो क्या बनता है? सेंटेंस बनता है. क्या बनता है? सेंटेंस बनता है. लेकिन इसमें ये भी देखा जाता है कि सेंटेंस मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब कहीं मिलकर सेंटेंस बनाता है तो उसका कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, मतलब एक सही मीनिंग निकलनी चाहिए. देखिए, जैसे यहाँ पे ये 4 वर्ड्स हैं. अब हमको इसको ग्रुप में करना है. हम लिख रहे हैं ए फ्रूट इज मैंगो. तो ये क्या है? एक फल है आम. एक फल है आम. और हम इस तरह से कहते हैं कि हम बोलते हैं आम एक फल है, ये कहते हैं ना. और मान लीजिए हम लिख रहे हैं मैंगो इज ए फ्रूट. मैंगो इज अ फ्रूट. तो कौन सा सही है? ए फ्रूट इज मैंगो या मैंगो इज अ फ्रूट? मैंगो इज अ फ्रूट मतलब आम एक फल है. और यहाँ क्या है? एक फल है आम. तो क्या किसको बोलने में आसानी हो रही है? आम एक फल है ना, और ये सुनने में भी सही लग रहा है. और ये क्या हो रहा है? ये इसका कोई सही मतलब नहीं निकल रहा है. तो हमारा कंप्लीट सेंस किससे निकल रहा है? मैंगो इज अ फ्रूट. तो हमको ये देखना है कि सेंटेंस तो होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. हम वर्ड्स को जब ग्रुप में करते हैं, इस तरीके से ग्रुप में लिखते हैं करके, तब उसको हम सेंटेंस कहते हैं. लेकिन ग्रुप में तो हम कई तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन सेंटेंस उसी को कहेंगे जिसका हमको सही मतलब पता हो, जिसका हमको सही मतलब समझ में आ रहा हो, उसकी मीनिंग समझ में आ रही हो. जैसे दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है. अब लिख दिए इज बॉय दिस ए, है लड़का ये एक. और ये क्या है? ये एक लड़का है. तो सही कौन सा होगा? ये एक लड़का है, क्योंकि इसका मतलब हमको समझ में आ रहा है. और है लड़का ये एक, ऐसे कोई बोलता है? नहीं बोलता है. तो ये हमारा क्या होगा? रॉन्ग होगा. तो कंप्लीट सेंस निकलने वाले जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो उनका जब कंप्लीट सेंस निकलता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं. तो यहाँ पे देखिए मोटिव क्या है, क्या हमें यहाँ सीखना है? टू लर्न हाउ टू एक्सप्रेस सेंस, किस तरीके से हम किसी भी चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसका मतलब निकाल सकते हैं. तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. हैज ए शी डॉल, यहाँ पे क्या दिया? हैज ए शी डॉल मतलब इसके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा?
यहाँ पे कोई सेंस नहीं निकल रहा है. क्यों? दीज वर्ड्स डू नॉट मेक एनी सेंस. तो हैज पास एक इसके गुड़िया. पास एक इसके गुड़िया मतलब इसके पास. यहाँ पे क्या बोलेंगे? इसके पास एक गुड़िया है ना. शी हैज अ डॉल. शी हैज अ डॉल. ये एक कंप्लीट सेंस निकाला कि इसके पास एक गुड़िया है. लेकिन पास है एक इसके गुड़िया, इसका कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है. तो यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि सेंटेंस हम सिर्फ उसी को कहेंगे जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता हो. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. अब देखिए यहीं पे हैज ए शी डॉल दिया है. इसका सही मीनिंग क्या है? शी हैज अ डॉल. इसके पास एक गुड़िया है. ठीक है, तो इसका दीज वर्ड्स में कंप्लीट सेंस. ये वर्ड क्या कर रहा है? एक कंप्लीट सेंस बता रहा है, एक सही मतलब निकाल रहा है. इससे सही मतलब निकल रहा है. आप सीधे आराम से कह सकते हो इसके पास एक गुड़िया है, लेकिन इसको बोलने में तो दिक्कत हो रही है. पास है एक इसके गुड़िया, ये बोल पा रहे हो आप? नहीं. क्या आप आसानी से बोल पा रहे हो? इसके पास एक गुड़िया है. तो सेंस किसका निकल रहा है? शी हैज अ डॉल. ठीक है, वी प्ले क्रिकेट. वी प्ले क्रिकेट मतलब हम क्रिकेट खेल रहे हैं. हम क्रिकेट खेल रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक सही मतलब आपको समझ में आ रहा है, एक कंप्लीट फैक्ट, एक एकदम सही बात यहाँ की जा रही है. अब मान लीजिए आ दिया है प्ले. अगर आप ये लिख रहे थे प्ले क्रिकेट वी, तो इसका मतलब क्या होता? खेल रहे हैं क्रिकेट हम. ठीक है, खेल रहे हैं क्रिकेट हम. ये सही है कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं? ये सही है. ये सही होगा ना, हम क्रिकेट खेल रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है. फोर देखिए, गो फ्रॉम हियर. यहां से जाओ, यहां से जाओ. तो यहां पे आपको एकदम कंप्लीट उसका मतलब पता चला ना, वो जाने को कह रहा है. तो यहां से जाओ एक कंप्लीट ऑर्डर. यहाँ एक पूर्ण रूप से एक ऑर्डर दिया जा रहा है जिसका मतलब निकल रहा है. मान लीजिए आपका घर ही कोई कहता है या आपका टीचर कहते हैं गो फ्रॉम हियर, तो आप उस चीज को समझ रहे हो ना कि वो जाने को कह रहे हैं. तो आप उस वो ऑर्डर एकदम कंप्लीट मतलब निकाल रहा है, तभी आप समझ रहे हो, तभी आप वहां से हटते हो. ठीक, नेक्स्ट है डू यू रीड प्रॉपरली. क्या तुम अच्छे से पढ़ पा रहे हो? तो इसका भी क्या है? ये क्वेश्चन तो सही लग रहा है ना. अब ये कहता है पढ़ पा रहे हो अच्छे से क्या तुम, तो ये क्या है? ये सही मतलब नहीं होगा. लेकिन क्या तुम अच्छे से पढ़ पा रहे हो, तो ये एक कंप्लीट मतलब निकाल रहा है, सही क्वेश्चन पूछ रहा है. तो ये भी हमारा क्या होगा? कंप्लीट सेंस निकाल रहा है, इसलिए ये हमारा सही सेंटेंस होगा. ठीक है, हाउ हॉट द टी इज. अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या, चाय जो है कितना गर्म है, ऐसे बोलते हैं ना. तो इसलिए साइन निकल रहा है. कोई इमोशन जब शो करना रहता है तो एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, हैप्पीनेस का, सैडनेस का, या मान लीजिए शॉक अगर लग रहा है किसी चीज को देख के आप आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं, तो सरप्राइज हो रहा है, उसके लिए ये लगता है. तो ये एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, मतलब ये एक्सप्लेनेशन एकदम साइन जो है सही है और इसका मतलब भी सही है. हाउ हॉट द टी इज, कितना कितनी गर्म ये चाय है. ठीक है, तो ये क्या होगा? ये भी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा? एक कंप्लीट सेंटेंस होगा. ठीक है, चलिए अब ये देखिए पिक्यूलियर डायग्नोज. अब यहाँ पे एक उसको दूसरे तरीके से आपको सेंटेंस को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप और अच्छे से समझ सको कि सेंटेंस है क्या. तो देखिए क्या है, ए कंप्लीट सेंटेंस ऑलवेज आंसर्स द क्वेश्चन हु एंड व्हाट इज बीइंग डन. एक जो पूर्ण वाक्य होता है वो हमेशा ये जवाब देता है, हमेशा एक प्रश्न का जवाब देता है. Who and what? कौन और क्यों. ठीक है, कौन कैसे क्यों. ठीक है, क्या. तो इस चीज को, इस क्वेश्चन को, जैसे आप यहाँ who और what दिया है, कौन क्या यहाँ पे दिया है, लेकिन क्यों कैसे इसका भी आंसर जब कोई सेंटेंस देता है तब
वो क्या होता है, एक कंप्लीट सेंस निकालता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी एट द फूड. शी एट द फूड एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस दे रहा है कि ये खाना खाई थी. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, हु इन दिस सेंटेंस एट द फूड. पूछ रहा है हु इन दिस सेंटेंस एट द फूड, मतलब इस सेंटेंस में कौन खाना खा रहा है. तो कौन खाना खा रहा है, शी. कौन खा रहा है, शी. तो आंसर क्या निकला, शी. आंसर क्या निकला, शी. मतलब ये कहने का मतलब है कि यहाँ जब कंप्लीट सेंटेंस होता है तो उससे कोई ना किसी टाइप का क्वेश्चन बनता है, और उस क्वेश्चन का आंसर हमको उस सेंटेंस से मिलना जरूरी होता है. अगर उस सेंटेंस से वो आंसर हमको मिल जा रहा है, दैट मीन्स कि ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है और एकदम करेक्ट सेंटेंस है. नेक्स्ट है, व्हाट डिड शी डू. वो क्या कर रही है, शी क्या कर रही है, तो शी क्या कर रही है, खाना खाई खा रही है. तो क्या हो जाएगा, आंसर इज एट द फूड. क्या करी है, खाना खाई है, तो एट द फूड. ठीक है, मान लीजिए एक है एग्जाम्पल लेते हैं, वी प्ले क्रिकेट. वी प्ले क्रिकेट, तो यहां पे क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट वी प्ले. व्हाट वी प्ले मतलब हम क्या खेल रहे हैं, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं. तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, क्रिकेट. आंसर क्या हो जाएगा, क्रिकेट. अब हम ये कर सकते हैं, हु डज प्ले क्रिकेट. हु डज प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है, तो ये भी आंसर है. कौन खेल रहा है, वी प्ले क्रिकेट मतलब हम खेल रहे हैं, वी. तो यहाँ आंसर क्या निकल रहा है, वी. इसका मतलब क्या है, ये जो आपका सेंटेंस है वी प्ले क्रिकेट, ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जो बन रहे हैं उसका आंसर हमको इस सेंटेंस से मिल रहा है. व्हाट वी प्ले, हम क्या खेल रहे हैं, तो हम क्रिकेट खेल रहे हैं. हु डस प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है, हम खेल रहे हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा. तो आपको सिर्फ ये समझना है कि कोई भी वर्ड्स को अगर आप ग्रुप करके लिखते हैं तो उसका सही मतलब निकलना चाहिए, प्लस अगर उस सेंटेंस से कुछ क्वेश्चन बनता है तो उसका आंसर भी उस सेंटेंस से हमको मिलना चाहिए. जैसे यहाँ पे वी प्ले क्रिकेट है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे पूछे क्रिकेट कौन खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है, हम खेल रहे हैं, आंसर मिला. हम ये पूछते हैं कि हम क्या खेल रहे हैं, तो हम क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसी सेंटेंस से मिल रहा है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एकदम सही होगा. अब सस्टेन इन द माइंड, ये चीज आपको अपने दिमाग में बैठानी है और इसको अपने दिमाग में फिट करना है कि ऐसी चीजें होती हैं. ठीक है, तो क्या है, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मस्ट हैव अ सर्टेन मीनिंग और सेंस. एक सेंटेंस क्या होता है, एक वाक्य जो है कई शब्दों का समूह होता है जिसका अपना एक मतलब होता है, उस वाक्य का एक पूरा मतलब होता है. ठीक है, एक सही सेंस होता है, ठीक, मतलब उसका अर्थ होता है, ठीक, एक क्लियर अर्थ होता है. जैसे यहाँ पे वी प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे हम इसको समझ रहे हैं कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ हमको समझ में आ रहा है एक कंप्लीट सेंस है कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं. ए सेंटेंस ऑलवेज बिगेन विथ अ कैपिटल लेटर. कोई भी सेंटेंस होगा वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से. कभी भी आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है. क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है. एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप, और वो सेंटेंस के लास्ट में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. फुल स्टॉप का साइन क्या है, एक डॉट है, क्वेश्चन मार्क का आप साइन देख रहे हो, और ये है एक्सक्लेमेशन का साइन. आप देखो यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं, तो यहाँ सेंटेंस है सी हैज अ डॉल, तो फर्स्ट लेटर इसका क्या है, कैपिटल लेटर है, और लास्ट में यहाँ क्या लगा है, फुल स्टॉप. क्या लगा है, फुल स्टॉप. उसी तरीके से यहाँ देखिए, डू यू रीड प्रॉपरली, तो यहाँ फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल लेटर है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है. ठीक है, हाउ हॉट द टी इज, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एच कैपिटल लेटर है, और लास्ट में किसका साइन है, एक्सप्लेनेशन. क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक इमोशन जाहिर किया जाता है, अपनी फीलिंग जाहिर की जा रही है कि चाय कितना गर्म है. ठीक है,
तो इस तरीके से ये फुल स्टॉप जो है सिंपल सेंटेंस में लगता है, क्वेश्चन मार्क जो है कहीं प्रश्न किया जाता है उसमें लगता है, और एक्सप्लेनेशन मार्क कहीं पे सैडनेस और हैप्पीनेस को जब शो किया जाता है तो वहां पे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है द सेंटेंस विच आंसर इज अ स्टेटमेंट। वो सेंटेंस जो आंसर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। द सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन इज एन इंट्रोगेटिव। जो सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, प्रश्न पूछे गए हैं, उसको हम प्रश्नवाचक कहते हैं, इंट्रोगेटिव कहते हैं। जहां सिंपल वाक्य दिया गया है उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें हमको उत्तर मिलता है, और जिसे प्रश्न पूछा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव कहते हैं, प्रश्नवाचक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए ये आपका है। अब ये तो हो गया आपको कि क्या चीजें आपको समझनी चाहिए, कैसे क्या होता है, सेंटेंस कैसे होता है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है, लास्ट में उसके स्टॉप फुल स्टॉप लगता है, क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन लगते हैं, और सबसे बड़ी बात कि सेंटेंस जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलना जरूरी होता है। ठीक, तो ये आपने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक, तो देखिए क्या है, फर्स्ट टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स करके दिया है और हमको उस पर टिक करना है जिसका कंप्लीट मतलब निकले। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए क्या है, वॉच आई टीवी, देख रहा हूं मैं टीवी, टीवी वॉच आई, टीवी देख रहा हूं फिर मैं। ठीक, आई वॉच टीवी, मैं देख रहा हूं टीवी, तो क्या सही होगा, देख रहा हूं मैं टीवी, टीवी देख रहा हूं मैं, या मैं टीवी देख रहा हूं, तो क्या सही होगा, मैं टीवी देख रहा हूं, आई वॉच टीवी, आई वॉच टीवी। ठीक है, सेकेंड है ओपन डोर द, खोलो दरवाजा। ठीक है, तो अब देखिए ओपन द डोर, ओपन द डोर भी मतलब क्या है, दरवाजा खोलो, डोर द ओपन, तो यहां पे क्या कर रहा है, ओपन के साथ द लगा रहा है, जबकि लगना किसके चल चाहिए, डोर के साथ। ठीक है, ओपन के साथ नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ठीक है, थर्ड है फ्लाई बर्ड्स में, बर्ड्स में फ्लाई, फ्लाई में बर्ड्स, तो यहाँ पे क्या होगा, बर्ड्स में फ्लाई, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, बर्ड्स में फ्लाई, क्या होगा, बर्ड्स में फ्लाई। ठीक है, तो ये थ्री तो मैंने आपको बताया, अब ये दो आप क्या करोगे, खुद करके देखोगे कि कौन सा का सही सेंटेंस यहाँ पे होगा, और उसका जो है जब आप इसको अपने आप से करिएगा समझ के। ठीक है, और ठीक उसी वो सेंटेंस को कीजिएगा जिसका मतलब सही निकल रहा हो, अरेंजमेंट सही हो। सेकेंड है पुट अ क्वेश्चन मार्क्स इफ द गिवन सेंटेंस इज अ क्वेश्चन और अ फुल स्टॉप इफ इट इज अ स्टेटमेंट। यहाँ पे कई स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अब सेंटेंस दिए हैं, जहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है वहां हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, जहाँ सिंपल सेंटेंस सिंपल आंसर दे रहा है वहां हम फुल स्टॉप करेंगे। ठीक, तो देखिए पहला क्या है, फर्स्ट क्या है, विल यू बी अ गुड डॉक्टर, क्या तुम एक अच्छे डॉक्टर हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, और क्वेश्चन के लिए हमें क्या यूज करना है, क्वेश्चन के लिए हमें क्वेश्चन मार्क यूज करना है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है। फिर पूछ रहा है डू यू लाइक टॉय, क्या तुम्हें खिलौने पसंद हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, आंसर दे रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा है या आंसर दे रहा है, तो यहाँ पे भी वो क्वेश्चन ही पूछ रहा है, क्या तुम्हें टॉय पसंद है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, थर्ड है आई एम टू टायर्ड टू प्ले, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। ठीक है, मतलब मैं खेलते खेलते बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तो यहाँ पे क्या वो कर रहा है, आंसर दे रहा है, एक सिंपल सेंटेंस बोल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप।
फोर्थ है शी इज ब्रेव, वो ये वो बहुत साहसी है, वो शी इज ब्रेव ये बहुत साहसी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंपल फॉर्म में बोल रहा है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो हम यहाँ क्या करेंगे फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। फिफ्थ है आई गो टू बेड एट 8 o'clock एवरी नाइट, मैं हर रात 8 बजे बिस्तर पे सोने चला जाता हूँ, बिस्तर पे चला जाता हूँ। तो यहाँ तो वो आंसर दे रहा है ना, तो ये क्वेश्चन तो कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा फुल स्टॉप होगा, ठीक। तो 5 तक तो मैंने बताया, 6, 7, 8, 9 और 10 आपका क्या होगा होमवर्क होगा, जिसे आपको खुद करना है, ठीक है। देखिए मैं होमवर्क इसीलिए देती हूँ ताकि आपको भी पढ़ के समझ आए कि कहाँ पे क्वेश्चन मार्क करना है, कहाँ पे फिलअप आपको फुल स्टॉप करना है, ठीक है। ये हो गया, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय फिलिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड्स, यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करना है एक सही वर्ड फिल करके जिससे इसका सही मतलब निकल सके, ठीक है। देखिए द टीम डैश क्विकली, द टीम डैश क्विकली, तो यहाँ कह सकते हैं टीम जो है बहुत जल्दी जीत गई, तो जीत गई तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वॉन, द टीम वॉन क्विकली, द टीम वॉन क्विकली। सेकेंड है डियर एंड बर्ड्स आर हंटेड बाई, जो डियर और बर्ड्स हैं उनका शिकार कौन करेगा, शिकारी करेगा ना, तो यहाँ पे शिकारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं हंटर्स, तो लिखेंगे HUNTERS हंटर्स, क्या लिखेंगे HUNTERS हंटर्स। थर्ड है द डैश वॉज वॉर्म, डैश वॉज वॉर्म, तो क्या गर्म होता है, टी भी हो सकता है, चाय भी मतलब चाय भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, तो हम लिखेंगे द वॉटर वॉज वॉर्म, मतलब पानी गर्म है, द वॉटर वॉज वॉर्म। फोर्थ है डैश इज अ हॉलीडे, डैश इज अ हॉलीडे, छुट्टी है तो हम लिख सकते हैं आज छुट्टी है, टुडे इज अ हॉलीडे, टुडे इज अ, तो लिखेंगे टुडे TODAY टुडे इज अ हॉलीडे। नेक्स्ट है कैबेज एंड कैरेट्स डैश इन द फील्ड, कैबेज और कैरेट्स क्या होते हैं फील्ड में होते हैं, ठीक है, और उनकी जड़ें फील्ड में होती हैं, तो रूटेड ये फील्ड में लगाया जाता है, तो रूटेड इन द फील्ड, ठीक है। 6 है मरमेड्स डैश इन द सी, मरमेड जो होते हैं जो समुद्र पानी में होते हैं उनको कहा जा रहा है, ठीक है, मरमेड्स हैं, ठीक है, तो ये क्या है समुद्र में क्या करते हैं तैरते हैं या रहते हैं, लिव इन द सी कह सकते हैं, लेकिन लिखेंगे यहाँ पे स्विम, स्विम इन द सी, मरमेड स्विम इन द सी। शी वेंट टू, अब शी वेंट टू कहीं पे भी जा सकती है, मार्केट जा सकती है या कहीं घूमने जा सकती है, शी वेंट टू हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं शी वेंट टू मार्केट, बस ये है कि हमको सही मतलब उसका पता होना चाहिए और उस सेंटेंस का सही मतलब हमें समझ आना चाहिए, वो मार्केट जा रही है, ठीक है, या गई। एक है होमवर्क इज डन बाई, होमवर्क इज डन बाई, जो होमवर्क है वो किसके द्वारा किया गया, अब किसी का भी आप लिख सकते हो, रितु, श्याम, मोहन, कुछ भी लिख सकते हो, तो हम लिख देते हैं होमवर्क इज डन बाई रितु, होमवर्क इज डन बाई रितु, ठीक है। 9th है डैश प्ले वीडियो गेम्स, तो दे प्ले लिख सकते हैं, वी प्ले लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम लिख देते हैं वी प्ले वीडियो गेम्स, हम वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है। 10 है रवि इज गिविंग डैश टू बर्ड्स, रवि बर्ड्स को क्या दे रहा होगा, दाने ही तो दे रहा होगा, तो लिखेंगे रवि इज गिविंग ग्रेन्स टू बर्ड्स, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज भी मैंने आपको करा दिया और आपको मैंने होमवर्क दिया है, तो इस होमवर्क को आप समझ के कीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद से हम लोग जो है इसका मैं आपको क्या करूंगी कि PDF आपको सेंड करूंगी, उससे आप देख लेना कि आपने सही फिल किया है कि नहीं,
और साथ ही साथ उसमें पीडीएफ में मैं जो क्वेश्चन आंसर दी रहूंगी वो आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में करना है, मींस जो 4 लाइन की कॉपी होगी उसमें आपको करना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आंसर आप उसमें कीजिएगा, बाकी जो है आपके एक्सरसाइज वो आपके बुक में ही रहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यही ओवर करेंगे और आपका ये जो चैप्टर है होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई हो, तो ये आप कीजिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक और दिया हुआ है, डी क्वेश्चन, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ डॉग एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट इट इन योर नोटबुक। तो ये आपको नोटबुक में करना है, तो फिर जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी तो मैं आपको इसका वर्क करने को दूंगी और ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, ये मैं नहीं करवाऊंगी, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। डॉग का पिक्चर बनाइए या पेस्ट कीजिए और 5 सेंटेंसेस डॉग के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। सो आज क्लास हम यही ओवर करेंगे, थैंक यू।